आज हमारा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें हमें मिली होती हैं उन्हें उन चीज जो उन्हें बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब रीड करते हैं, सब लोग अपनी बुक्स में देखेंगे, बुक्स अपनी निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर रीड करते समय आप लोगों को अपनी बुक्स में देखना है। ऑल द थिंग्स गिफ्टेड टू अस बाई नेचर, यानी कि सभी जो चीज़ें हैं वो हमें किसके द्वारा मिली, गिफ्ट में मिली हैं, तोहफे के रूप में मिली हैं नेचर के द्वारा, आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। दी मदर अर्थ, मदर अर्थ का मतलब होता है धरती माता, प्रोवाइड अस, हमें उपलब्ध कराती है विद लैंड, जमीन एंड सॉइल, मिट्टी टू ग्रो क्रॉप, किसके लिए, अपनी जो फसल है उसको बढ़ाने के लिए। नेचर हैज़ गिवन अस एयर, नेचर के द्वारा हमें क्या मिलता है, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, एंड सनलाइट यानी सूरज की रोशनी फॉर आवर वेल बींग। सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन, सनलाइट्स के द्वारा हमें जो मिलती है वो सन्स के द्वारा मिलती है, एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, सभी एनर्जी का एक सोर्स है। सभी एनर्जीज के सोर्स किस तरीके से हैं, क्योंकि प्लांट्स भी सनलाइट्स के द्वारा ग्रो होते हैं, यानी ऑल लिविंग थिंग्स विल बी ग्रो इन अ सनलाइट। ऑल अदर नेचुरल रिसोर्सेज कम टू अस फ्रॉम द अर्थ, और भी ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो अर्थ के द्वारा हमें मिले हैं, जैसे कि लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे नवीनीकरण, या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनवीनीकरण। तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज, नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो खाली नहीं रहते, इवन आफ्टर देयर कंटिन्यूस लगातार यूज, आर रिन्यूअल रिसोर्सेज, नए रूप में काम आते रहते हैं, कोई ना कोई नई नई चीज़ें हम बनाते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दीज रिसोर्सेज रिसाइकल, जैसे कि सन, विंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि सन की रोशनी हमें डेली चाहिए, विंड सॉइल्स डेली चाहिए, वाटर डेली चाहिए, फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो हमें एयर कहाँ से मिलेगी, यानी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो ठीक है, ये क्या है, एक रिन्यूअल प्रोसेस है। अब इनमें सबसे पहला जो अभी हम बात कर रहे थे कि जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, वो है सनलाइट। आप लोगों को बुक में दिखाई दे रहा होगा और मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसके अंदर भी क्लासेस में दिखाई दे रहा होगा, सनलाइट, सनलाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्सेज है। इट गिव अस हीट एंड लाइट, जिससे हमें क्या मिलती है, हीट और लाइट, यानी कि गर्मी मिलती है और रोशनी मिलती है, यानी अगर अर्थ पर सन नहीं होगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, एज इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इसको हम बार बार यूज़ करते हैं। बार बार कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह मॉर्निंग में हम उठे और इवनिंग तक हमारे पास सन की लाइट रहती है, तो हम अपने सारे वर्क्स करते हैं, ठीक है, फिर जब मून की लाइट आ जाती है तो वो उतनी नहीं होती, तो हम लाइट्स को यूज़ करते हैं, पर कुछ टाइम के बाद जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, हम फिर सन की लाइट को यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गया, रिन्यूएबल प्रोसेस हो गया, हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि हमारे लिए बहुत काम में आने वाला सोर्स है, जिसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, देखो जैसे मैंने बताया था, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है सन, और सन की लाइट जो इम्पॉर्टेंट है, क्यों, देखो बच्चों बताया है, प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को फ्रॉम द सन, सन के द्वारा, एंड प्रोड्यूस फूड, अपने फूड को प्रोड्यूस करता है, यानी उसी के द्वारा ही अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। दिस फूड फ्रॉम प्लांट्स इज यूज्ड बाय अस, जो फूड को प्लांट्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, वी गेट फ्रूट्स, जो हम फल प्राप्त करते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां प्राप्त करते हैं, वेरियस मटेरियल और इस तरह के जितने भी मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम दिस प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो हमें प्लांट्स किसके द्वारा देता है, जब वो सनलाइट से, सन की जो लाइट्स है उसके द्वारा अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, फिर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देता है। द एनर्जी फ्रॉम द सन, जब वो एनर्जी लेता है सन से, इज बींग यूज टू कुक, और फिर उसके अपने बनाता है, रन मशीन्स हेल्प अस मैन काइंड इज मैनी, यानी कि इसको हम मानवता के रूप में इसको हम बहुत अलग अलग वेज में यूज़ करते हैं।
वी कैन यूज़ सनलाइट टू कुक, जैसे कि सनलाइट को यूज़ करते हैं कुक यानी खाना पकाने में। द फूड इज़ सोलर ओवन एंड सोलर कुकर, सोलर ओवन और सोलर कुकर के अंदर भी इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि सॉयल विंड। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉयल। सॉयल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की वो क्या होती है, सॉयल होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सॉयल दैट प्लांट्स आर ट्रीज ग्रो, यानी कि जो प्लांट जो अर्थ पर हमें सॉयल मिलती है उसी की वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं। अगर प्लांट्स को सॉयल नहीं मिलेगी और सॉयल के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू ग्रो अवर फूड क्रॉप्स, यानी कि बिना इसके उपयोग के या बिना इसके यूज़ के कोई भी प्लांट्स जो हमारे फूड क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि देखो हम किसी भी प्लांट को जब उगाते हैं, अगर किसी पॉट में यानी गमले में भी उगाते हैं तो उसमें हम क्या कलेक्ट करते हैं, पहले एक जगह कुछ सॉइल को कलेक्ट करते हैं और सॉइल को कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर हम प्लांट को लगाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम किसी पॉट में ना लगा के डायरेक्ट अर्थ पर लगाते हैं तो वहाँ भी हमें क्या चाहिए, सॉइल। तो इसलिए अर्थ का सबसे अपर लेयर पार्ट कौन सा होता है, सॉइल, जिसके बेस पर प्लांट जो फूड जितने भी फूड क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, प्लांट्स जो बढ़ते हैं वो सॉइल के अंदर बढ़ते हैं एंड टेक देयर फूड फ्रॉम इट, और जिनके द्वारा हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है, अदर एनिमल्स और जो जानवर होते हैं डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, और कुछ अरे जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पर, यानी जो जिन्हें हम जो कि एनिमल्स को खाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ह्यूमन बींग्स जो होता है वो दोनों पर डिपेंड होता है, प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। बट ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट्स जो है जो एनिमल्स हैं जो क्या बोलते हैं प्लांट्स पर डिपेंड हैं या एनिमल्स हैं वो अदर एनिमल्स पर डिपेंड हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो केवल एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, बट एनिमल्स भी किसके बेस पर जीते हैं, अपने फूड को किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, प्लांट्स के द्वारा। और प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, सॉइल, और सॉइल कहाँ पर होती है हमारे लिए, अर्थ पर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पूरी एक साइकिल है। सॉइल इज मेड ऑफ सॉइल पार्टिसल्स, सॉइल जो होती है वो मिलती है सॉइल के छोटे छोटे कणों से हमें, पार्टिसल्स माने होता है कण। इट आल्सो कंटेन्स वाटर, जैसे जो मिलता है वाटर से, एयर से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर। यहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक और जैविक। वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, जितने भी प्रकार की सॉइल यानी मिट्टी होती हैं इन अवर कंट्री, हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, ये अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स होते हैं सॉइल्स के, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, और अलग अलग तरह की हमें यहाँ पर मिट्टी मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, पहले मुझे बताओ यहाँ तक किसी को